Hello students, welcome to online classes of Angan Public School and today we will study of Hindi. Okay, so now students, आज का जो हमारा lecture है वो है हिंदी का. And now students, हिंदी के lecture में आपको ये जो अभ्यास पुस्तिका हिंदी सुलेखन का अभ्यास पुस्तिका वाला book है वो open करना है. Okay, and now उसमें page number है हमारा आज का 19. Okay, page number क्या है students हमारा 19. एंड आज का टॉपिक क्या है, उचित शब्द को चुनो. जो भी राइट वर्ड है उसको आपको क्या करना है, चूज करना है. सपोज यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए होंगे, उसमें से जो भी राइट वर्ड है उसको चूज करना है. चूज करके उसको अगेन यहाँ पे रीराइट करना है. इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हो क्या दिया है हमको. नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनके पर्याय भी दिए गए हैं. पर्याय मीन्स के उनका जो सेकेंड ऑप्शन है वो भी आपको दिया गया है. तो सही पर्याय चुन कर वाक्य पूर्ण कीजिए. ओके, मीन्स के जो भी करेक्ट वर्ड है उसको आपको चूज करके अगेन उसको रीराइट करना है. नाउ रीराइट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट ऑप्शन. ओके, क्या करना है आपको, करेक्ट ऑप्शन को चूज करके वो सेंटेंस को अगेन आपको रीराइट करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम क. अभी क में आप देखो स्टूडेंट, दो ऑप्शन दिए हैं, एक है चैत और दूसरा है चैत्र. के महीने में गेहूं की कटाई होती है. ओके, तो इसमें से जो भी राइट ऑप्शन है पहले आप क्या करोगे, उसके ऊपर टिक करो. तो ये राइट ऑप्शन है स्टूडेंट चैत्र. चैत्र के महीने में गेहूं की कटाई होती है. तो फिर क्या करना है आपको, अगेन इसको यहाँ पे रीराइट करना है. मैं राइट कर देती हूं यहां पर चैत्र. के महीने में गेहूं की कटाई होती है, इस तरह से. ओके, इस तरह से आपको ये राइट करना है कि चैत्र के महीने में गेहूं की कटाई होती है. नाउ सेकेंड नंबर है तालाब और तालाब. ओके, तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या है, तालाब में कमल खिले हैं. तो हम यहां राइट कर देंगे इसको, तालाब में कमल खिले हैं. नाउ फिर नेक्स्ट, खरगोश नीरही और नीरह पशु है. ओके, खरगोश जो है स्टूडेंट्स वो कैसा पशु है, तो वो है नीरीह. तो हम क्या करेंगे, इस पे टिक करेंगे और राइट कर देंगे हम इसको, खरगोश नीरह पशु है. ओके, नाउ उसके बाद नेक्स्ट, हाथीनी और हथिनी. ओके, तो राइट ऑप्शन है हथिनी. हथिनी ने महावत को पीठ पर उठा लिया. ओके, नाउ फिर नेक्स्ट, छिपकली और छिपकली कीड़े मकोड़े खाती है. तो क्या है राइट ऑप्शन, छिपकली. छिपकली कीड़े मकोड़े खाती है. ना फिर उसके बाद नेक्स्ट है, इस खेत की मट्टी और मिट्टी. ओके, तो राइट ऑप्शन है मिट्टी. इस खेत की मिट्टी उपजाऊ है. ओके, इस तरीके से
ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट, समुद्र मंथन से अमृत या अमृत निकला। ओके, तो आएगा अमृत। समुद्र मंथन से अमृत निकला। ओके, इस तरीके से। और ना फिर उसके बाद जो नेक्स्ट दिया है स्टूडेंट्स, ओके, उसमें आपको क्या करना है, हमारा ये जो नेक्स्ट है, अचानक शेर सामने आ जाए तो क्या करोगे। ओके, सपोज आपके सामने अचानक शेर आ जाए तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, व्हाट विल यू डू इफ द लायन सडनली, तो आप क्या करोगे अगर एकदम से आपके सामने वो आ जाता है तो। तो नाउ हम यहाँ पे राइट कर देंगे, अचानक शेर सामने आ जाए तो, अचानक शेर सामने आ जाए तो हम अपनी सूझबूझ मीन्स होता है स्टूडेंट्स आइडियाज। ओके, हम अपनी सूझबूझ से वहां से निकल ने का प्रयास करेंगे, निकलने का प्रयास करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये है आज आपका हिंदी का वर्क, क्लास वर्क। आज का हमारा टॉपिक है उचित शब्द चुनो। ओके, एंड नाउ उसमें दो एक्सरसाइज दी हुई हैं जो हमने कंप्लीट कर दी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, ये जो वर्क है आपका, जो अभ्यास पुस्तिका है, उसमें आपको ये कंप्लीटेड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आज का जो हमारा हिंदी का लेक्चर है वो यहाँ पर ओवर होता है। सो गुड बाय एंड टेक केयर एवरीवन।